नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ओलंपिक्स 2024 की। हम जानेंगे ओलंपिक्स के बारे में, हम जानेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में ओलंपिक्स मेंस टेनिस किसने जीता है। हम जानेंगे उन बिंदुओं के विषय में जो इस बार के ओलंपिक्स पर सबसे ज़्यादा असर डालेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि इस बार किन खिलाड़ियों के जीतने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं की डिटेल्स के बारे में इस टूर्नामेंट की। तो जैसा आप जानते हैं कि अगले हफ्ते से यह प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। 27 जुलाई से 4 अगस्त तक यह प्रतियोगिता चलेगी, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं और हार जाते हैं, उसके बाद उनके बीच एक और मैच होगा जो यह तय करेगा कि किसको ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। क्योंकि ओलंपिक्स है तो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता जाएगा। इस बार की जो सरफेस है वो क्ले है, जैसा कि आप जानते हैं कि रोलैंड गैरोस यानी कि फ्रेंच ओपन की जो सरफेस है वहाँ पर यह प्रतियोगिता हो रही है। हर बार यह प्रतियोगिता अलग अलग सरफेसेस पे अलग अलग देशों में होती है, और जो इस बार का फॉर्मेट है वो 3 सेटों का है। कुछ वर्ष पहले जो फाइनल मैच है वो 5 सेटों का होता था, यानी कि 5 सेटों में से जो 3 सेट जीत जाए वो मैच को जीत जाता था, लेकिन अब बेस्ट ऑफ 3 सेट्स है तो आपको 3 में से 2 सेट जीतने होते हैं। यह नॉकआउट टूर्नामेंट है, तो अगर कोई भी खिलाड़ी मैच हारता है तो वो बाहर हो जाता है। वर्ल्ड टूर फाइनल्स, जैसा कि आप जानते हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध टूर्नामेंट है, वर्ष के अंत में होता है, वो राउंड रॉबिन फॉर्मेट होता है जिसमें हारने के बावजूद आप बने रह सकते हैं, बाकी के मैचेस अगर आप जीत जाते हैं तो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो ये बिल्कुल ग्रैंड स्लैम जैसा फॉर्मेट है। अगर आप मैच हारते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सेमीफाइनल में हारते हैं तो आपको ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेलने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है, जैसा कि मैंने बताया कि हर वर्ष तो नहीं, हर बार जो हर 4 वर्षों में यह प्रतियोगिता होती है अलग अलग सरफेस पे होती है, अलग अलग देशों में होती है। तो जैसे 2012 में विमिल्डन ग्रास कोर्ट पर प्रतियोगिता हुई थी, 2016 में हार्ड कोर्ट था, 2020 में यानी कि 21 में, क्योंकि कोविड की वजह से 2020 में प्रतियोगिता नहीं हो पाई थी, उसको पोस्टपोन कर दिया गया था, 2021 में भी हार्ड कोर्ट पे हुई थी, और इस बार 2024 में यह क्ले पर होने वाली है। तो अब हम बात करते हैं पिछले कुछ वर्षों के चैंपियंस के बारे में। तो 2020-2021 में ज्वेरेव ने इस प्रतियोगिता को जीता था, गोल्ड मेडल हासिल किया था, हार्ड कोर्ट्स पर यह मैच हुआ था। 2016 और 2012 दोनों में एंडी मरे ने गोल्ड मेडल जीता था, 2016 में हार्ड कोर्ट पर और 2012 में ग्रास पे, जिसमें उन्होंने फेडरर को सीधे सेटों में हराया था। 2008 में नडाल ने गोल्ड मेडल जीता था हार्ड कोर्ट पर, और 2004 में निकोलस मासू ने हार्ड कोर्ट पर इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत गौर करने वाली हैं, तो अब उन बिंदुओं पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात कि इस बार की जो प्रतियोगिता है वो क्ले पर होने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि जो खिलाड़ी क्ले पर अच्छा खेलते हैं, जो खिलाड़ी फ्रेंच ओपन में अच्छा खेलते हैं, वो खिलाड़ी यहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो नडाल, एल्कराज, सिनर, जोकोविच, ज्वेरेव, ये कुछ खिलाड़ी हैं जो अच्छा खेलते आए हैं। रूबलेव, सित्सिपास, ये भी अच्छा खेलते हैं, हालांकि अभी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, तो ये सभी खिलाड़ी क्ले पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बेस्ट ऑफ 3 सेट्स का फॉर्मेट है। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी महानतम खिलाड़ी हैं, चाहे वो जोकोविच हो, नडाल हो, फेडरर हो, बेस्ट ऑफ 5 सेट्स, अगर यदि 5 सेट का मैच है, 5 में से 3 जीतने, तो उसमें ज़्यादा उनके पास संभावना रहती है मैच जीतने की। ऐसा इसलिए कि कई बार वह स्लो स्टार्ट करते हैं, पहला सेट हार जाते हैं, फॉर्म में नहीं होते, दूसरा सेट हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी काबिलियत के जरिए वो वापसी करते हैं और उस मैच को जीत जाते हैं। बट बेस्ट ऑफ 3 सेट्स में ऐसा कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप पहला सेट हारे तो उसके बाद बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, क्योंकि उसके बाद गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप दूसरा सेट टाई ब्रेक में भी अगर आप हारते हैं तो आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। एक और बात यह है कि यहाँ पर खिलाड़ी जो हैं वो अपने देश के लिए खेल रहे हैं, तो यह एक जिम्मेदारी भी है, और साथ ही साथ इससे उन पर दबाव भी ज़्यादा रहता है अच्छा प्रदर्शन करने का। तो इसको मोटिवेशन की तरह भी देख सकते हैं, लेकिन इस वजह से कई खिलाड़ी हार भी जाते हैं क्योंकि वो दबाव को नहीं झेल पाते। एक और चीज़ यहाँ पर यह है कि जो मैचेस हैं वो रोज़ होंगे, तो पहला राउंड जो कि राउंड ऑफ 64 है वो शायद 2 दिन चलेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा खिलाड़ी होंगे, 64 खिलाड़ी होंगे, लेकिन उसके बाद
थर्ड राउंड से रोज मैच होंगे, तो थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फिर ब्रॉन्ज मेडल का मैच और फिर फाइनल, तो ये सारे मैचेस रोज होंगे और कोई भी गैप नहीं होगा। तो ग्रैंड स्लैम में हम देखते हैं कि मैचेस के बीच एक दिन का जो है वो ब्रेक होता है, उस वजह से थोड़ा रिकवर करने का समय मिलता है खिलाड़ियों को, यहाँ ऐसा नहीं होगा। और इस वजह से, शायद इसी वजह से बेस्ट ऑफ थ्री सेट्स इसको बनाया गया है, और अब तीनों सेटों को टाई ब्रेक सेट कर दिया गया है। तो आज से कुछ वर्ष पहले जो फाइनल मैच होता था या जो सेमीफाइनल वगैरह भी होते थे, उसमें जो आखिरी सेट है उसमें टाई ब्रेक नहीं होता था। तो अगर आप 2012 का मैच याद करें जो कि फेडर और डेल पोट्रो के बीच हुआ था, सेमीफाइनल मैच जो था, उसमें फेडर उस मैच को जीते थे, लेकिन वह 3 से 4 घंटे खिंच गया था, क्योंकि जो तीसरा सेट है वो बहुत लंबा गया था, और क्योंकि उसमें टाई ब्रेक नहीं होता तो शायद 16-14 या ऐसा कुछ स्कोर रहा था। और इसी वजह से जो आने वाले मैच हैं, जो अगले दिन होना है, उस पर भी असर पड़ता है, क्योंकि 3 से 4 घंटे, यदि कोई भी खिलाड़ी कितना भी महानतम हो, अगर वो खेलता है, तो अगले दिन उसी लेवल की परफॉर्मेंस की अपेक्षा करना जो है वो गलत है। तो इस वजह से अब इस नियम को बदल दिया गया है। टाइट स्केड्यूल तो है ही फिर भी खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि इन 4 महीनों में बहुत सारे ग्रैंड स्लैम हुए हैं, मास्टर्स 1000 हुए हैं, मास्टर्स 500 हुए हैं, और साथ ही साथ सरफेस जो है वो भी चेंज हुई है। फ्रेंच ओपन के बाद विमिल्डन क्ले से ग्रास, फिर अभी विमिल्डन से ओलंपिक्स वापस से क्ले, और फिर ओलंपिक्स के बाद अब यूएस ओपन आने वाला है जो फिर से एक हार्ड कोर्ट होगा, और उससे पहले मास्टर्स 1000 भी होंगे। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी मुश्किल है खिलाड़ियों को ढालना अपने आप को, और क्योंकि लगातार खेलते आ रहे हैं, और अगर अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं तो चोट लगने के जो संभावना है, जो थकने की संभावना है, वो भी बढ़ जाती है। तो यह बहुत सारे बिंदु हैं। अब अगर हम बात करें कि कौन से खिलाड़ी हैं जिनकी संभावना इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए सबसे ज़्यादा है, जैसा कि आप जानते हैं अल्कराज हर टूर्नामेंट में जो भी वो खेलते हैं वो फेवरेट हैं, क्योंकि इस साल उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है, फ्रेंच ओपन जीते हैं, उसके बाद विंबलडन भी जीत गए हैं, और अभी अपने बेस्ट फॉर्म में भी हैं। सिनर भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, फ्रेंच ओपन में अल्कराज से हारे, और विंबलडन में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, मेडवेडेव से हार गए, तो वो भी पूरी कोशिश करेंगे इस प्रतियोगिता को जीतने की। ज्वेरेव क्ले पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं हमेशा ही, इस बार भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जोकोविच हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं, इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इस वर्ष काफ़ी समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ी हैं, चाहे वो चोट की समस्या हो, चाहे थकान की समस्या हो, या चाहे हार की समस्या हो, क्योंकि वो अपने फॉर्म में नहीं है पूरी तरह से। और फिर नडाल जो कि वापसी कर रहे हैं अभी, वह भी अभी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया स्वीडिश ओपन में, वो फाइनल तक पहुंचे, आज ही उसका फाइनल था जो वो हारे, तो उसकी हाइलाइट्स आप जरूर यूट्यूब पे ढूंढने तो आपको मिल जाएगी। 4 घंटे का मैच उनका क्वार्टर फाइनल वाला था, उसके बाद सेमीफाइनल मैच भी उनका लगभग 3 घंटे चला, उस वजह से आज लग रहा था कि वह थक चुके हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, बावजूद इसके कि अच्छा खेल रहे थे वो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी उनके खेल में अभी वो बात नहीं है कि वह सिनर और अल्कराज को हरा पाए, अगर वो हराते हैं तो ताज्जुब की बात होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्कराज जो है वो फेवरेट होंगे, और उनके बाद सिनर का नंबर है। जोकोविच और नडाल अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस प्रतियोगिता में फेवरेट होंगे। देखते हैं क्या होता है, आपकी क्या सोच है इस विषय में, कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।